हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो बिहार में जो किसान आंदोलन हुए उसके बारे में जानेंगे, साथ ही बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए, बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ इससे बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे प्रांतीय किसान सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे या स्थापना कब हुई थी। पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये लेक्चर दोस्त BPSC 65वीं साथ ही बिहार दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुस्तक आप देख रहे हैं, इम्तियाज़ अहमद है, ठीक है। इसमें देखिए कई सारे प्रश्न ऐसे रहते हैं जो कि मतलब यूजफुल नहीं है, अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये पूछा नहीं जा सकता। तो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसमें जो प्रीवियस ईयर है उसको जो है तैयार किया है, हम लोग उसी को याद करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसके साथ ही आप वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, अगर आप लाइक करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है किसान आंदोलन एवं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है और पूछे गए एग्जाम। देखिए, कहता है कि पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ है 4 मार्च 1928 को। यह पूछ देगा 4 मार्च 1928 को पटना के किस जगह पर जो है किसान सभा की स्थापना हुई? तो बिहटा में, ठीक है, याद हो गया। बिहटा में कब किसान सभा की स्थापना हुई, चलिए इसको बताइए आप। तो पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 4 मार्च 1928 को, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना के बिहटा में जो किसान सभा की स्थापना हुई, हम लोग पढ़े ना कि 4 मार्च 1928 को स्थापित हुई। अब पूछ रहा है कि स्थापना किसने किया, तो ध्यान दीजिए, पटना के बिहटा में 4 मार्च 1928 को किसान सभा की स्थापना हुई और इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की, ठीक है। तो आपको एक लाइन ये ध्यान में रखना है कि 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, ध्यान से आप सुने आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि किसके नेतृत्व में मुंगेर में, जगह का नाम जरूर याद रखें ताकि कन्फ्यूजन ना हो, तो याद रखें आप, मुंगेर में किसान सभा की स्थापना किसने की? तो ध्यान दीजिए, मुंगेर में किसान सभा की स्थापना हुई थी शाह मोहम्मद जुबेर के नेतृत्व में, ठीक है। और संभवतः जो है बिहार में यही पहला किसान सभा था जिसकी स्थापना लगभग 1922-23 के समय में हुई थी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मुंगेर में जो है किसान सभा की स्थापना हुई शाह मोहम्मद जुबेर के नेतृत्व में, ठीक है। और पटना के बिहटा में किसके नेतृत्व में स्थापना हुई थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। कब हुआ था भाई? तो 4 मार्च 1928 को, याद हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव आया, देखिए ये जो लाल से घेरा हुआ प्रीवियस ईयर है BPSC में पूछा है। अगला सवाल देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा, ये देखिए किसान सभा है, ये भी किसान सभा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो ध्यान दीजिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना मार्च 1929 में हुई थी। कब हुई? मार्च 1929 ईस्वी में, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे और बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो सचिव थे ये थे श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। देखिए, पटना के बिहटा में 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की। उसके बाद मुंगेर में जो किसान सभा स्थापित हुआ था ये शाह मोहम्मद जुबेर के नेतृत्व में हुआ था। ये दो बात क्लियर है। तीसरा बात ये कहता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना मार्च 1929 में हुई, ठीक है। और बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे ये स्वामी सहजानंद थे और इसके जो सचिव थे
श्री कृष्ण सिंह थे। क्लियर है, याद हो रहा है आपको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? तो बिहार के शाहबाद में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। कौन इलाका में? शाहबाद। ठीक है, बिहार के शाहबाद जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन चलाया गया था, ध्यान रखिए आप। चलिए अगला सवाल देखिए। द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो ध्यान रखिएगा, द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन गया में हुआ था। ठीक है, द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन हुआ था गया में। अब देखिए अगला सवाल इसी से संबंधित है। क्या कहता है देखिए कि द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखिए दोस्त, द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा की अध्यक्षता की थी पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने। ठीक है, द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा की अध्यक्षता की थी पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने। और पहले बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सॉरी अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ देखिए स्वामी सहजानंद ने। क्लियर है, देखिए आप फिर से समझिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है ये मार्च 1929 में हुआ। ठीक है, इसका जो पहला प्रांतीय किसान सभा की जो अध्यक्षता थी वो किया गया स्वामी सहजानंद के द्वारा, और इसमें सचिव जो है श्री कृष्ण थे। उसके बाद जो दूसरा बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन जो हुआ ये गया में हुआ। ठीक है, इसमें अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। आपको यहाँ तक याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो ध्यान रखिए, तृतीय बिहार किसान सभा का आयोजन हुआ था हाजीपुर में। कहाँ पर? हाजीपुर में। दूसरा कहाँ पर हुआ था? गया में। दूसरा के अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। पहले का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद। याद हो रहा है ना? अगला सवाल देखिए, कहता है कि तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जो तीसरे के थे वही पहले के थे, स्वामी सहजानंद, है ना? उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। अगला सवाल देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है। कहता है किस प्रांतीय किसान सभा में जमींदारी प्रथा को हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था? तो ये प्रांतीय सभा था तीसरा, तीसरा बिहार प्रांतीय किसान सभा में जमींदारी प्रथा को हटाने का प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक है, याद हो गया। चलिए एक बार देखते हैं, समझिए आप शॉर्ट में। ये देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी मार्च 1929 में। ठीक है, इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद, और सचिव जो थे ये कृष्ण सिंह थे। क्लियर, दूसरा जो हुआ बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन ये हो गया आपका कहाँ पर? तो गया में हुआ, है ना? इसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। क्लियर है, फिर देखिए तीसरा बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन कहाँ हुआ? हाजीपुर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वही स्वामी सहजानंद। और तीसरे बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन में ही जमींदारी प्रथा को हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। हमको उम्मीद है कि आपको जितना बात बोले हैं, जितना प्रश्न अभी तक कवर किए हैं, एकदम याद हो गया होगा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसी पर आपका ध्यान है तो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति जो कांग्रेस कमेटी थी उन्होंने राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए हमारा अगला सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, सवाल को आप ध्यान से देखिएगा, जवाब आपको तुरंत याद हो जाएगा। कहता है कि 1936 भागलपुर के बीहपुर में, कहाँ पर, भागलपुर के बीहपुर में जो प्रांतीय किसान सभा हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए भागलपुर के बीहपुर आपको ध्यान रखना है, तो इसमें जो प्रांतीय किसान सभा का जो अधिवेशन हुआ, सम्मेलन हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी जयप्रकाश नारायण एवं स्वामी सहजानंद ने। ठीक है, भागलपुर के बीहपुर में जो बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन हुआ उसकी अध्यक्षता की थी जयप्रकाश नारायण ने एवं स्वामी सहजानंद ने। चलिए अगला सवाल देखिए, बिहार में समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। तो ध्यान रखिए बिहार में समाजवादी दल की स्थापना हुई थी 1931 में। कब, 1931 में समाजवादी दल की स्थापना हुई। कब हुआ भाई, 1931 में, किसने किया ये भी देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी। तो आप ध्यान रखें बिहार में समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण एवं फूलन प्रसाद वर्मा ने की। किसने किसने, जयप्रकाश नारायण एवं फूलन प्रसाद वर्मा ने कब किया भाई, तो ये देख चुके हैं 1931 में। क्लियर, ध्यान दीजिए, समझिए आप कि बिहार में जो है समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण एवं फूलन प्रसाद वर्मा ने 1931 ईस्वी में किया। सीधा लाइन आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, 2500 बार पूछा गया होगा, मतलब जितना बार एग्जाम हुआ है अभी तक बीपीएससी में लगभग पूछा जाता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 में। ठीक है, बिहार साम्यवादी समाजवादी का स्थापना कब हुआ, 1931 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई, मार्च 1929 में। ठीक है, पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना कब हुई, पढ़े हैं 4 मार्च 1928। ऐसे ही याद रखना है आपको, लगातार आप जो दोहराते रहिएगा एकदम गारंटेड याद होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, 1934 में। नेक्स्ट देखिए, कहाँ हुई थी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना बिहार में। तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। कहाँ पर, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। चलिए अगला सवाल देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो हैं ये नरेंद्र देव थे। कौन थे, नरेंद्र देव। ठीक है, 3 पॉइंट देखिए आप कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ, और इसके अध्यक्ष जो प्रथम अध्यक्ष जो हैं ये नरेंद्र देव थे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि 1939 में, 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। अखिल आ गया है देखिए, पहले था सिर्फ किसान सभा, फिर बिहार प्रांतीय, अब आ गया है अखिल भारतीय किसान सभा। सबसे पहले देखिए इसकी स्थापना जो है 1936 में हुआ था लखनऊ में, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है सवाल। यहाँ सवाल पूछ रहा है कि 1939, 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हुआ था गया में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई। तो जब स्थापित हुआ तभी 1934 में, इसका अध्यक्ष कौन थे, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, नरेंद्र देव, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री नारायण सिंह एवं जयप्रकाश नारायण किस पार्टी के थे। तो जहाँ जयप्रकाश नारायण जी, आज आप समझ जाइए समाजवादी के थे, और समाजवादी दल की स्थापना कब हुई, अभी पढ़े हैं 1931 में, कौन कौन किए भाई, तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। ठीक है, आपको पूछ देगा कि समाजवादी जो है, समाजवादी पार्टी के कौन कौन महत्वपूर्ण नेता थे। ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, श्री नारायण सिंह, फूलन प्रसाद वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, तो
देखिए आपको ध्यान रखना है, जयप्रकाश नारायण, श्री नारायण सिंह और फूलन प्रसाद वर्मा, ये तीनों जो हैं समाजवादी के बड़े नेता थे, ध्यान रखिए। अगला है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद जो हैं अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। देखिए स्वामी सहजानंद जो हैं ये किसान आंदोलन के जो हैं समझ जाइए आप कि ये भगवान हैं, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष जो हैं स्वामी सहजानंद ही थे। चलिए अगला देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है कि गया में किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? तो गया में किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करता है ये जदुनंदन शर्मा थे। कौन? जदुनंदन शर्मा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध किसने एकत्रित किया? तो स्वामी विद्यानंद ने जो है दरभंगा राज के विरुद्ध जो है मधुबनी जिला में किसानों को एकत्रित करके आंदोलन किया था, ठीक है, याद हो गया आपको। चलिए एक बार आप रिवीजन मार लीजिए, देखिए कैसे रिवीजन मारना है, एकदम ध्यान से सुनते जाइए कि बिहार किसान सभा की स्थापना जो है 4 मार्च 1928 को हुआ, ठीक है, पटना के बिहटा में, ठीक। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, क्लियर है। फिर आपको पता है मुंगेर में जो किसान सभा की स्थापना हुई ये जो है शाह मोहम्मद जुबेर के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। फिर देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था मार्च 1929 में, है ना, मार्च 1929 में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद और सचिव श्री कृष्ण सिंह। दूसरा कहता है कि दूसरा जो है दूसरा बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ था? तो गया में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पता है पुरुषोत्तम दास टंडन जिसके अध्यक्ष थे। तीसरा कहाँ हुआ? तो हाजीपुर में हुआ। तीसरे के अध्यक्ष कौन थे? तो वही स्वामी जो पहले के थे, स्वामी सहजानंद, ठीक है। और तीसरा सम्मेलन में ही जो है जमींदारी प्रथा को हटाने का उन्मूलन किया गया था। अब देखिए अब आता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो लखनऊ में हुई, 1936 ईस्वी में हुई। फिर कहता हूँ 1939 में जो है 1939 में 1939 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की जो बैठक है ये कहाँ पर हुई? तो ये गया में हुआ। फिर देखिए पढ़े हम लोग भागलपुर के बीपुर में जो है किसान सभा का जो आयोजन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कितना आसान याद है हम लोग को, जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा समाजवादी दल की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई, किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण एवं फूलन प्रसाद वर्मा ने, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में कहाँ पर?